एक जंगल में रानो नाम की चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ईमानदार थी। सारे पक्षी रानो चिड़िया पर भरोसा करते और अपनी कीमती चीजें वे रानो चिड़िया के पास अमानत के तौर पर रखवा देते। एक दिन पूरे चिड़े ने सभी पक्षियों से पूछा, कालू भाई मुझे बताओ कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी कौन है? अरे भूरे भाई, इस जंगल में सबसे ईमानदार पक्षी रानो चिड़िया के अलावा कोई नहीं है। वो मेहनती और भरोसेमंद है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कालू भाई, रानो चिड़िया से ईमानदार कोई नहीं है। रानो चिड़िया के बारे में हम सब यही कहेंगे कि इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी रानो चिड़िया है। अच्छा तो ठीक है पक्षियों, मैं रानो चिड़िया के पास चला जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है, फिर बाद में तुम सबसे मिलता हूँ। ये कहकर पूरा चिड़ा एक बड़ी सी टोकरी में बहुत सारी गाजर लेकर रानो चिड़िया के पास चला जाता है और फिर चिड़िया के पास जाकर वह बोलता है, जंगल के सारे पक्षी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद पक्षी तुमसे ज्यादा कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। अच्छा भूरे भाई, तो फिर बताइए आप मेरे पास किस काम से आए हो? रानो चिड़िया, मुझे तुम्हारे पास अपनी ये गाजर रखनी है। मुझे एक काम से दूसरे जंगल जाना पड़ रहा है और फिर मैं वहाँ से आकर अपनी गाजर की फसल लगाऊंगा, परंतु जब तक ये गाजर मैं तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। मुझे पूरे जंगल में किसी और पक्षी पर भरोसा नहीं है परंतु तुम पर है, इसलिए मैं अपनी ये सारी गाजर तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। क्या तुम ये गाजर अपने पास रखोगी? क्यों नहीं भूरे भाई, मैं सब पक्षियों के कीमती चीजें अपने पास रखती हूँ। आपकी गाजर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर चले जाइए। वैसे आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? दूसरे जंगल बस ज्यादा दिनों के लिए नहीं, 4-5 दिनों के लिए जा रहा हूँ। 5 दिनों के बाद मैं वापस अपने जंगल आ जाऊंगा। लेकिन हाँ रानो चिड़िया, अगर तुमने लालच में आकर मेरी सारी गाजर पर अपना कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हें चील महाराज के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। पहली बार आप अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास रखवा रहे हैं, इसलिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, परंतु आप बेफिक्र होकर दूसरे जंगल जाइए। आपकी गाजर का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। भरोसा कर रहा हूँ, पर मेरा भरोसा तोड़ना मत। मैं अब जा रहा हूँ, तुम मेरी गाजर का ध्यान रखना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इतना बोलकर पूरा चिड़ा वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया और सारे पक्षी जमा होकर बातें कर रहे होते हैं। कितने दिन हो गए ठंड में गाजर का हलवा नहीं खाया है? हाँ, और कितने दिन हो गए हम सब एक साथ बैठकर भोजन नहीं किए हैं। आप लोग सही कह रहे हो, हम लोग गाजर के हलवे का कोई जुगाड़ करते हैं। मेरा भी गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी यही सोच रही थी कि हम सबको एक साथ दावत किए कितने दिन हो गए, इसलिए आज मैं सब पक्षियों को ये बताने के लिए आई थी कि मैं कल पक्षियों की दावत अपने घोंसले में रखूंगी। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। कल तुम्हारी दावत में हम सब पक्षी तुम्हारे बने हुए भोजन को खाकर बहुत मजे उठाएंगे। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, मुझे कल की दावत के लिए भोजन भी तो जमा करना है ना। ये कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर तक रानो चिड़िया भोजन ढूंढती है। उसे एक पोटली भरकर बहुत सारा भोजन मिल जाता है और वह भोजन की पोटली अपने घोंसले में ले आती है। चलो कल की दावत के लिए भोजन तो मिल गया, अब कोई भी चिंता नहीं है। और ये पूरे भाई की गाजर तो काफी ज्यादा महंगी लग रही है। कितनी बड़ी बड़ी और ताजा गाजर है। और फिर अगली सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया बड़ी चिंता में सब पक्षियों को जमा करती है और उनसे कहती है, पक्षियों जो मेरी दोस्त है ना, जो दूसरे जंगल में रहती है, वे काफी ज्यादा बीमार हो गई है,
इसी कारण मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। परंतु तुम सब उदास मत हो, दावत खत्म नहीं हुई है। कल मैंने अपने घोंसले में एक पोटली में भोजन रख दिया था, तो वह भोजन आपस में मिल बांट कर खा लेना। और तुम सब मेरा इंतजार मत करना, मुझे आते आते रात भी हो सकती है। परंतु रानो चिड़िया, तुम्हारे बिना दावत में हम सबको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हाँ रानो बहन, हम सबको अच्छा नहीं लगेगा, आप दावत करके चले जाना। परंतु मिट्टू भाई, दावत से ज्यादा मुझे मेरे दोस्त को देखना जरूरी है, इसलिए मैं निकलती हूँ अभी। ये कहकर रानो चिड़िया दूसरे जंगल अपने दोस्त को देखने के लिए चली जाती, और फिर कालू कौवा और सभी पक्षी रानो चिड़िया के घोंसले में पहुंच जाते हैं। अरे भाई, रानो चिड़िया के घोंसले में तो भोजन की कोई भी पोटली नहीं है, बस ये गाजर की टोकरी है। शायद रानो चिड़िया इन गाजरों की ही बात कर रही होगी। आज तो गाजर का हलवा बनाकर खाएंगे, ठंड के मौसम में गाजर के हलवे का मजा आ जाएगा। फिर कालू कौवा, गौरी कौवी और मिट्ठू तोता सभी भूरे चिड़े के गाजर को रानो चिड़िया का भोजन समझकर वहां से ले जाते हैं। कालू कौवी को भोजन की पोटली इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कुछ ही देर पहले हवा के कारण पोटली जमीन पर आकर गिर पड़ी थी। और फिर गौरी कौवी उन गाजर से गाजर का हलवा बना देती है, और सभी पक्षी खूब मजे से गाजर का हलवा खाने लगते हैं। फिर शाम को रानो चिड़िया अपने घोंसले में आती है, वह देखती है कि भूरे चिड़े के गाजर नहीं है, और वह परेशान होने लगती है। फिर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मैंने भूरे भाई की गाजर यही रखी थी, अब नहीं मिल रही है, लगता है सभी पक्षियों ने भूरे भाई की गाजर खा ली है। अब वो आएंगे तो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मैं क्या करूं, हे भगवान। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भूरा चिड़ा वापस आकर रानो चिड़िया से अपनी गाजर मांगता है। रानो चिड़िया, कहाँ हो, मैं आ गया हूँ, मेरी गाजर दो, मुझे अभी निकलना है, फिर खेतों में गाजर भी तो बोना है। आप आ गए भूरे भाई, मुझे आपसे माफी मांगनी है। माफी, किस बात की मांगनी है? मैंने कुछ दिन पहले अपने घर में दावत रखी थी, और उसी समय मेरी दोस्त बीमार पड़ गई, इसलिए मैं दूसरे जंगल चली गई थी, और फिर जंगल के सभी पक्षी मेरे यहाँ दावत करने आए थे, लेकिन वह लोग गलती से आपकी गाजर बनाकर खा गए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुम्हारे भरोसे गाजर छोड़ी थी, तुमने मेरी गाजर दावत में बांट दी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। देखिए भाई, मैं आपकी गाजर वापस कर दूँगी, मैं दिन रात मेहनत करके आपकी गाजर वापस कर दूंगी, आप चिंता ना करें, मुझे कोई सजा भी ना दें। ठीक है ठीक है, इस बार मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा कर रहा हूँ, अगर इस बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं तुम्हें चील महाराज के पास ले जाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। भूरा चिड़ा इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, और रानो चिड़िया उस दिन से कड़ी मेहनत करके भूरे चिड़े को गाजर दे देती है। इस बार तो मैंने कैसे भी करके भूरे चिड़े को गाजर वापस दे दी, पर मैं अगली बार कभी किसी को दावत के लिए अपने घोंसले में नहीं बुलाऊंगी। फिर रानो चिड़िया कभी किसी को अपने घोंसले में नहीं बुलाती, और अपनी जिंदगी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जीने लगती है। गुड़िया की माँ की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। गुड़िया का पापा एक दफ्तर में काम करता था। गुड़िया अभी छोटी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को घर में अकेला नहीं छोड़ सकता था, और खुद भी घर में नहीं बैठ सकता था, इसलिए वो दूसरी शादी कर लेता है। गुड़िया की सौतेली माँ अपने साथ एक अपनी बेटी भी लाई थी, क्योंकि गुड़िया की सौतेली माँ भी पहले से शादीशुदा थी, और उसका पति भी मर चुका था। गुड़िया तो बहुत खुश थी, क्योंकि मेनू की शक्ल में उसे एक दोस्त और बहन मिल गई थी। शादी के अगले दिन गुड़िया का पापा अपने दफ्तर चला जाता है, और गुड़िया अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी कि उसकी सौतेली माँ आ जाती है। ये तुम किधर जाने की तैयारी कर रही हो? नहीं मम्मा,
मैं स्कूल जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें स्कूल जाने की। तुमको कौन सा पढ़ लिख कर अफसर बनना है? घर का चूल्हा ही संभालना है, तो फिर अभी से क्यों नहीं चूल्हा संभालना शुरू कर दो? चलो जाकर मेरे लिए नाश्ता बना कर लेकर आओ। मैं नाश्ते में 2 फ्राई अंडे, 1 ब्रेड का स्लाइस और साथ में कॉफी लेती हूँ। जल्दी से बना कर लेकर आना। और हाँ, मेनू का नाश्ता जब वो उठेगी तब बनाना। गुड़िया की सौतेली माँ तो एक ही सांस में अपने ऑर्डर सुनाई जा रही थी। लेकिन मम्मा, मुझे तो कोई रसोई का काम नहीं आता, और ना ही मेरे पापा ने मुझसे कभी कोई काम करवाया है। मेरे पापा तो मुझे पढ़ाना चाहते हैं, और मेरी मम्मा का भी यही सपना था कि मैं पढ़कर डॉक्टर बनूं। अब तुम्हारी माँ नहीं है इस दुनिया में जिसके तुम्हें सपने पूरे करने हैं। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। और हाँ, अगर तुमने अपने पापा को बताया कि मैंने तुम्हें स्कूल से हटवा दिया है, तो पंख और जबान दोनों काट कर रख दूंगी। फिर गुड़िया रसोई में चली जाती है। गुड़िया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने तो कभी भी चूल्हे में आग नहीं जलाई थी। उसे आग जलाना नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी सौतेली माँ भी रसोई में आ जाती है। क्या तुम अभी तक ऐसे ही मुंह उठाए खड़ी हो, मेरा नाश्ता नहीं बनाया? नहीं मम्मा, मुझे चूल्हे में आग जलाना नहीं आती, मैं कैसे नाश्ता बनाऊं? तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अब आंखें खोलकर देखना कि आग कैसे जलाते हैं। कल से तुम्हें खुद ही जलाना है। फिर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को आग जलाना सिखाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया से घर का सारा काम करवाती और उसके पापा के सामने उससे बहुत प्यार करती, और उसके पापा के ऑफिस जाते ही उससे काम करवाने लग जाती। ऐसे ही एक दिन वो गुड़िया से कहती है, आज मैं और मेरी मीनू शॉपिंग पर जा रही है, मेरे आने तक भोजन तैयार रखना, नहीं तो मार मार कर हाल बुरा कर दूंगी। फिर गुड़िया की सौतेली मम्मा अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। वो अभी गई थी कि गहरे बादल आ जाते हैं और साथ में तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। लकड़ियाँ जो कि आग जलाने के लिए रखी हुई थी, बारिश में भीग जाती है। अब मैं आग कैसे जलाऊंगी, माँ तो आकर मुझे पीटेंगी अगर मैंने भोजन ना तैयार किया तो। फिर गुड़िया अपनी माँ को याद करके रोने लग जाती है। हे भगवान, अगर मेरी माँ मर गई तो इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं, फिर मेरी सौतेली माँ मेरे साथ इतना बुरा क्यों करती है? मम्मा, अगर आप सुन रही हो तो देखो तुम्हारी बेटी कितनी तकलीफ में है। माँ, आ जाओ मेरे पास और मुझे अपने आंचल में छुपा लो, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रोते रोते गुड़िया की आंख लग जाती है। गुड़िया बेटा देखो, मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई और तेरी जिंदगी इतनी मुश्किल में पड़ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें और दुखी नहीं होने दूंगी। बेटा, मैंने एक रसोई में एक चूल्हा रख दिया है, वो कोई आम चूल्हा नहीं, बल्कि उस चूल्हे में एक खास शक्ति है। तुम जो भी भोजन सोचोगी वो खुद ब खुद पककर तैयार हो जाएगा, और मेरी बेटी, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। फिर गुड़िया की आंख खुल जाती है। ये कोई सपना था क्या? सच में मेरी मम्मा आई थी? मुझे लगता है कि मैं सपना ही देख रही थी। फिर गुड़िया जब किचन में जाती है तो वहाँ सच में एक चूल्हा पड़ा था। ये चूल्हा तो पहले मेरे किचन में नहीं था, कहीं वो मेरा सपना सच तो नहीं था? एक बार अजमा कर देखती हूँ। फिर गुड़िया छोले भटूरे के बारे में सोचती है तो वहाँ चूल्हे में खुद ही आग जलती है।
और छोले भटूरे बन जाते हैं। फिर गुड़िया की सौतेली माँ भी आ जाती है। भोजन तैयार कर लिया है के आराम ही करती रही हो? जी माँ, मैंने छोले भटूरे बनाए हैं आज। छोले भटूरे कैसे बना लिए तूने आज? घर में तो सामान ही नहीं था। और आग तूने कैसे जलाई? लकड़ियाँ तो सारी बारिश के पानी से भीग चुकी हैं। मुझे ये कोई और ही चक्कर लग रहा है। ऐसा कहकर गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को मारना शुरू कर देती है। बता क्या चक्कर है, कल मुही कहें कि कोई जादू तो नहीं सीख लिया। फिर गुड़िया की मम्मा की आत्मा वहाँ आती है और वो गुड़िया की सौतेली माँ को उल्टा लटका देती है। गुड़िया का पापा भी ऑफिस से आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? सोना, तुम उल्टी क्यों लटक गई हो? और गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? फिर गुड़िया की मम्मा के आत्मा भी सबके सामने आती है और सोना की सारी हकीकत गुड़िया के पापा को बताती है। गुड़िया बेटा, अपनी माँ की आत्मा से कहो कि मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। माँ, आप प्लीज इन्हें माफ कर दे, मैंने भी इन्हें माफ कर दिया है। फिर गुड़िया की मम्मा सोना को माफ कर देती है। फिर उस दिन के बाद सोना गुड़िया के साथ बहुत प्यार से रहना शुरू कर देती है। दिवाली के बाद आता है भाई बहन का त्योहार, जिसे हम भाई दूज कहते हैं। ऐसे ही दिवाली तो बड़ी धूमधाम से सभी पक्षियों ने मना ली थी और अब भाई दूज की बारी थी। जब मैंने अपने भाई को पहली बार दूज खिलाई थी तब मैं बहुत छोटी थी। तो फिर रानो, तेरे भाई ने तुझे क्या दिया था? गौरी बहन, तब मेरा भाई बहुत छोटा था, परंतु तब भी उसने मुझे एक स्कूल बैग दिया था। हाँ रानू बहन, एक बार मेरे भाई ने भी मुझे स्कूल बैग दिया था। है तो तुम्हारा भाई गरीब ही, इससे ज्यादा तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं देते होंगे। पर मेरा भाई तो मुझे बचपन में भी बड़े बड़े तोहफे दिया करता था, और अब की तो बात ही अलग है। बस गलती से एक बार मेरे मुंह से निकल जाए, फिर तो वही चीज मेरे सामने होती है। गौरी बहन, आप हर बात में निंदा क्यों करने लगती हो? आपका भाई अमीर है तो आप दूसरों के भाइयों के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? कैसे चढ़ रही है मेरे भाई के अमीर होने पर? गौरी बहन, मैं भला आपके भाई से क्यों चिढ़ूंगी? ऐसे ही कौरी और लाड़ू चिड़िया एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। आप दोनों चुप हो जाइए, बेकार की बातों पर क्यों लड़ रही हो? हाँ हाँ लाड़ू चिड़िया, इस बार देख ही लेते हैं किसका भाई ज्यादा अमीर है और किसका भाई गरीब है। ऐसा कहकर कौरी को भी वहाँ से चली जाती है। लाड़ू बहन, आपको तो अच्छे से पता है कि कौरी का भाई सबसे अमीर है, वो इस बार भी कौरी के लिए ढेर सारा सामान लाएगा, फिर आप कौरी की मुँह क्यों लगी? पर रानू बहन, आपने तो सब देखा कि कौरी हर बात पर हमारे भाइयों को गरीब गरीब कहकर चढ़ाती रहती है, फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। पर कौरी को भी तो सभी पक्षियों को अपनी और लाड़ो चिड़िया की बातें बताती है। बस ये रात निकल जाए, फिर मैं लाड़ो चिड़िया को बता दूंगी कि मेरा भाई ही सबसे ज्यादा अमीर है। गौरी को भी ऐसा सोचते सोचते सो जाती है और फिर अगली सुबह हो जाती है। गौरी अपने भाई का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। भैया, आप इतनी सुबह सुबह आ गए, आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ मेरी प्यारी बहना, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था इस दिन का, इसलिए तो मैं जल्दी ही आ गया। फिर रानू चिड़िया अपने भाई को मिठाई खिलाती है और उसका तिलक करती है। लो बहना, तुम्हारा हक, इस बार मैं थोड़ा कम लेकर आया हूँ, मुझे डांटना मत, बस 100 ही दाने लेकर आया हूँ। अरे भैया, ये तो पहले से भी कई गुना ज्यादा है, फिर तो आपने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया होगा। हाँ बहना, मेहनत तो हुई है, मगर आपको ये मक्के के दाने सबसे ज्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ।
और फिर रानो का भाई त्योहार मना के वहाँ से चला जाता है और रानो भी लाडू चिड़िया के पास चली जाती है। आओ रानो बहन बैठो, बस मेरा भाई अभी अभी त्योहार मना के वापस गया है। लाड़ू ये घोंसला तो बड़ा चमक रहा है और बहुत सुंदर भी लग रहा है, कहाँ से लाई हो तुम इसे? अरे ये तो मेरा भाई मुझे देकर गया है, वो घोंसले बनाने का काम जो करता है, अगली बार तेरे लिए भी मंगा दूंगी। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी और तभी वहाँ पर गौरी कवि भी आ जाती है। लाड़ू आ गया क्या तेरा गरीब भाई, क्या लेके आया है तेरे लिए, जरा मुझको भी तो दिखा। गौरी बहन मेरा भाई ये सुंदर घोंसला लेकर आया है मेरे लिए और इसकी ये खास बात है कि ये उसने अपने हाथों से बनाया है। वैसे आपका भाई क्या लाया है? अभी मेरा भाई आया नहीं है, वह मेरे लिए ये छोटी मोटी चीजें लेकर नहीं आता है, इसलिए तो ज्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा कहकर गौरी को भी वहाँ से चली जाती है और अपने भाई का बेसब्री से इंतजार करने लगती है, परंतु शाम हो जाती है लेकिन गौरी कवि का भाई नहीं आता है। गौरी का भाई अभी तक नहीं आया, सुबह से शाम हो गई, क्यों ना लाड़ू बहन हम गौरी के घर जाके देखते हैं। हाँ हाँ रानू बहन, बेचारी गौरी कब से सुबह से इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर रानो और लाड़ू चिड़िया गौरी के घर चली जाती हैं और वे गौरी कवि को बहुत उदास देखती हैं। गौरी बहन आप उदास मत हो, आपका भाई आ जाएगा। मेरा भाई अब तक नहीं आया, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ, बल्कि मेरी भाभी का फोन आया था, वो बोल रही थी कि मेरे भाई को चोट लगी है और वो घायल हो गया है। ये कहकर गौरी को भी रोने लग जाती है। गौरी रो मत, तेरा भाई एकदम ठीक हो जाएगा। गौरी बहन हम सब आपके भाई के घर चलते हैं, फिर आप अपने भाई से मिल भी लेना और त्योहार भी मना लेना। हाँ हाँ रानो तू एकदम सही कह रही है, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, चलो अब हम चलते हैं। फिर वो तीनों गौरी कवि के भाई के घर चली जाती हैं। परंतु जब गौरी कवि अपने भाई को देखती है तो बिल्कुल हैरान हो जाती है। भैया आप तो एकदम बिल्कुल ठीक हो, फिर भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपको चोट लगी है? ये बात सुनकर गौरी का भाई एकदम चुप हो जाता है और तभी गौरी की भाभी बोल पड़ती है, हमारा भी तो खर्चा है घर में, तीन तीन बच्चे हैं, हमेशा तुम्हारे लिए ही कमाती रहे क्या? हर साल ढेरों सामान लेकर जाते हैं, इस बार नहीं गए तो क्या हुआ? भाभी भैया को नहीं भेजना था तो मत भेजती, पर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने भाई को देखने आ गई। गौरी का भाई अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बोल पड़ता है, मुझे माफ कर दो बहना, मैं इसकी बातों में आ गया था और इसलिए आपसे झूठ बोलना पड़ा। गौरी बहन अब आप क्या देख रही हो, आपका भाई आपसे माफी मांग रहा है, तो क्या अब आप अपने भाई को माफ नहीं करोगी? मुझे अपने भाई से कोई शिकायत नहीं है, आओ भैया हम अपना त्योहार मनाते हैं। फिर गौरी कवि अपने भाई को मिठाई खिलाती है, परंतु इस बार गौरी कवि अपने भाई से कुछ भी नहीं लेती। अरे बहना ये पैसे रख लो, आप इनसे अपना मनपसंद सामान खरीद लेना। नहीं नहीं भैया मैं इन पैसों का क्या करूंगी, बस आपका प्यार मेरे लिए ऐसा ही बना रहे, यही मेरे लिए सब कुछ है। अरे गौरी रख भी लो पैसे, अब इतने नखरे क्यों कर रही हो? नहीं नहीं भाभी ये पैसे आप ही रख लो, इन पैसों की वजह से ही आपने मेरे भैया को मेरे पास नहीं भेजा। गौरी कवि की ऐसी बातें सुनकर उसकी भाभी उससे बहुत शर्मिंदा होती है और फिर वो तीनों वहाँ से चली आती हैं। लाड़ू बहन अब मुझे समझ में आ गया है कि भाई अमीर हो या गरीब, बस रिश्तों में ज्यादा प्यार होना चाहिए।